सभी चीजों का समावेश करके अब मुझे बोलना है तो कन्या भ्रूण हत्या पे सबसे पहले मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि कन्या भ्रूण हत्या पे मैं पिछले 10-12 सालों से काम कर रही हूँ और बहुत फर्क आया है। हरियाणा जैसे प्रदेश में अगर फर्क आता है तो समझ लीजिए आपने हमने जो काम किया वो हमारा कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। हरियाणा की डीसी मेरी फ्रेंड है मिसेस गोयल, उन्होंने बताया कि शबनम जी आपने जो अवेयरनेस प्रोग्राम किए उसके बाद जैसे 1000 में से 900 कुछ लड़कियां अब जीवित रह पाती हैं। हरियाणा का बता रही हूँ आपको, अगर आप और हरियाणा जैसे प्रदेश में चेंज ला सकते हैं तो समझिए हम काफी जगह अगर गांव-गांव जाकर और ज्यादा काम करें तो वहां भी चेंज आएगा। और दूसरी बात इश्क की हुई, वो भी करना जरूरी है, मुझे हालांकि कोई मिला नहीं, मेरी भयंकर शक्ल देखते ही सब रफू चक्कर, अब पता नहीं इतनी बुरी दिखती हूँ या सिर्फ मेरे नाम का खौफ है। तो यहाँ इस मंच के माध्यम से ये भी बता दूं कि खौफ मत खाइए, कोई तो आइए। ये जैसे भाई को शायरी का उठ गया था कुछ जज्बा, सुनील भाई को, ऐसे उनकी बहन को भी कुछ जज्बा सा उठने लगा। तीसरी बात कि आप और हमने जाति की बात की, वो अनिल भाई जो वहां बैठे हैं, मेरे पिता जब भी कभी बीमार होते हैं तो शायद वालिया नर्सिंग होम ले जाने पे मुझे उतनी परेशानी नहीं आती क्योंकि अनिल भाई उनके बेटे की तरह वहां पर उनकी सेवा करने वाले होते हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ जातिवाद है। अभी सुनील भाई का नाम ही पढ़ के जैसे ही सलीम भाई ने बताया कि सुनील भाई भी आएंगे मैं गदगद हो गई कि मेरा भाई आएगा, तो फिर जातिवाद कहाँ था, फिर तो जातिवाद नहीं। रेखा छोटी बहन जैसे ही दिखाई दी कि आ रही है बस मेरा दिल खुश हो गया कि आहा आ गई मेरी सोनपरी। नमिता नमंदी जब पता चला कि बैठी है मेरे से पहले ही, तो जब हम गले मिले तब पता चला हमारा देश का दिल तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब नहीं है, सिर्फ एक भारतवर्ष है, जिस भारतवर्ष में आप और हम जीते हैं, जिस भारतवर्ष की संस्कृति है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है, ना हमारे देश में कोई हिंदू है ना मुसलमान है, और अगर हिंदू मुसलमान है भी तो हम हो गए ना, हाँ हिंदू हाँ मुसलमान हम हो गए, तो हम जब हम हैं तो झगड़ा क्या है। और कोई चौथी बात शायद एक पारस की भी मैं और साक्षी साक्षी को मैं कहना चाहूंगी वही दिल तोड़े तोड़वाना नहीं, वही दिल तोड़े तोड़वाना नहीं, तोड़ कर आ जाना, तोड़ कर आ जाना, शबनम खान साथ खड़ी नजर आएगी, घबराना नहीं घबराना नहीं, ये तो कभी लिख सकता है ना। तो आज अगर आप चाहेंगे तो मैं 2-4 घंटे बोलती रहूंगी लेकिन समय सीमा, पीछे से कुर्ता खींचने वाले रहते हैं नेताओं के साथ, देखा ही है आपने, तो मैं कुर्ता नहीं खिंचवाना चाहती हूँ। मैं आप सबको जो मंच पर बैठे हैं जो सामने बैठे हैं उन सबका तो तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और दीदी आपने बताया अपनी संस्था के बारे में, अमित भाई बहुत साल से काम कर, कि मैं बात जरूर करना चाहूंगी क्योंकि देश की बात करे बिना मुझे नहीं लगता कोई मंच सार्थक हो सकता है। मेरे पिता मोहम्मद फाजिल खान जी 1962 और 65 के वॉरियर हैं, वॉर लड़ी है उन्होंने 1962 इंडो चाइना और इंडो पाक की, तो हमेशा जब तक मैं उनका नाम ना ले लूं, 1962 की वॉर और 1965 की लड़ाई जो लड़ी, मैं गौरवान्वित महसूस करती हूं कि मैं ऐसे पिता के घर में पैदा हो पाई जिन्होंने उस जगह जाकर देश के लिए कुछ तो किया। आप पर हम तो यहाँ खाली कोरी बातें बनाते हैं सुनील भाई, शायद भाई आप पर हम कोरी बातें बनाते हैं, मेरे फादर बताते हैं 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हो वहां पर जो इतनी ठंड पड़ती है बर्फीले इलाकों में, तो आप पर हम सबको अगर आप पर हम जितने लोग बैठे हैं एक एक आदमी को भी समझाएंगे ना कि उस आर्मी को सैल्यूट करे बिना कोई कार्यक्रम शुरू नहीं करना है, देश का जनगण मन। सलीम भाई हम जब भी कार्यक्रम शुरू करें पहले देश का अनिता जी, क्योंकि आप पोस्ट रहती हैं हमारी हमेशा,
तो मैं आपसे कहूंगी जैसे आप वंदना करती हैं उसी तरह से सबसे पहले जनगणमन होना बेहद जरूरी है। और अगर कहीं कोई जनगणमन में नहीं खड़ा होता, ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, आपने सुना ही होंगे किससे कहानियां कि आजकल पिछवाड़ा ठोक दिया जाता है जरा सा कोई कुछ कह दे, तो ये नहीं करना है, उसको बताना है कि अगर आप नहीं खड़े हुए तो ये हमारा अपमान नहीं है, वो खुद अपना और अपने परिवार का अपमान कर रहा है ऐसा करके। तो आप और हम ये छोटी छोटी चीजों में और सुधार लाएंगे, और जितने भी परफॉर्मर थे उन सबको बहुत सारी मेरी मुबारकबाद। चोटी वाले भाई, मेरी तो इतनी बड़ी बंदती ही नहीं, देख ही रहे हैं आप कितने छोटे बाल हैं मेरे, तो मैं बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, अगली बार तक शायद रेखा के बराबर तो नहीं पर रेखा के आसपास कहीं घूमने शुरू हो जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मंच पर मेरे बड़े भाई सुनील, मोहसिन भाई, भाई शाहिद सिद्दीकी, नमिता नमन, छोटी बहन का मैं नाम भूल गई हूँ, जबीन का नाम थोड़ा मुश्किल है खूबसूरत भी, जबीन, रेखा, अनीता जी, सबका शुक्रिया अदा करते हुए, और कर्नल साहब भी हमारे बीच में है, कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी कविता भी सुनाई और कर्नल है इसी के लिए आपको सैल्यूट है यहाँ से। मेरा छोटा भाई समर्पित भी बैठा हुआ है, हिमांशु भाई, मैंने कहा मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी, हिमांशु ने कहा मैं पांडव नगर से हूँ, मैंने कहा जल्दी साइड में आ जाओ, होके में ले लिया मैंने उसको फटाफट ताकि प्रचार कर सके मेरा, तो लड़ना नहीं लड़ना तो एक मजाक की बात है, या सीरियसली जब लड़ूंगी तो आप सबकी कविताएं भी मैं चाहूंगी कि फिर मेरे लिए जो आप कहते हैं कि जिस काबिल मैं हूँ, पिछले 15-20 सालों से मैं काम कर रही हूँ और मैं जवान होती जा रही हूँ, ये सब बूढ़े होते जा रहे हैं। और ये खूबसूरती का राज एक तो ये भी है कि अनिता जी जैसी बहने तारीफ करती रहती है, और जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना तो कुदरती आप जवान रहते हैं, जब आप देश के लिए सोचते हैं ना कुदरती आपकी रगों में ऐसे ऐसे तांडव करता है, ब्लड खून दौड़ता है तेजी से और आपको बस एक नई राह खुद भी दिखती है और आप ऐसे हजारों लोगों को नई राह दिखाते की भी दिखाने की भी कोशिश करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए नन्ही परी के बारे में भी एक बात जरूर कहूंगी, छोटी सी गुड़िया ने बहुत अच्छा डांस किया, मुझे तो बस इतना ही आता था, मैं तो ऐसे ही करके खुश हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसके साथ डांस भी करूंगी जरूर, रेखा भी करेंगी, हम सब सीखेंगे पहले उसके एक क्लास ले लेंगे और हम सब डांस भी करेंगे। और मेरी बहन यहाँ पर एक और बैठी हुई है, प्यार से चुपचाप से बैठी हुई है, एक सोनिया गांधी जी है और एक सोनिया जी है, सब काम करने में बिजी है। अनिल भाई के साथ भी जो भाई बैठे हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि भाई आप आए, और एक और मेरे पगलू से भाई हाशिम भाई बैठे हुए हैं, ये हमारा परिवार का रिश्ता है। आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ आप लोगों के लिए तो कितना नजदीकी संबंध होगा हमारा, कैसे हमारे परिवार की तरह एक मुट्ठी में बंधे हुए हैं सब, कैसे समर्पित छोटा भाई और अमित मिश्रा, छोटा भाई अमित मिश्रा भी छोटे भाई है, आजकल थोड़े कांग्रेस में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं वो अलग बात है। सबका शुक्रिया, सलीम के लिए सबको हेल्प भी करनी है हर तरह से, और बहुत शुक्रिया सलीम भाई की आपने इस कार्यक्रम को शुरुआत की, क्योंकि मैं शुरुआत से जड़ी हुई हूँ, आप ये देखते हैं ना चीफ गेस्ट लिखा हुआ है वो आपके लिए लिखा होता है, क्योंकि अगर शबनम खान चीफ गेस्ट है तो जनता को रिप्रेजेंट कर रही है, जनता मुख्य अतिथि है, इसीलिए हम किसी और को बनने नहीं देते ताकि हमेशा जनता का राज चलना चाहिए, नहीं तो ये नेता है ना, ये नेता तो पता है आपको भाषण जाड़ा अपना चले जाते हैं बाय बाय करके, मैंने जाने नहीं दिया पकड़ के बैठा रखा है, मैं कहा सुनील भाई आज नहीं जाने दूंगी नेतागिरी नहीं चलेगी। तो ये हमारा पारिवारिक प्यार भरा रिश्ता है और आज आप और सभी परिवार की तरह जुड़े हैं, आपका तो बहुत इमोशनल था, मैंने कन्या भ्रूण हत्या पे बता भी दिया, बहुत शुक्रिया आपका, जय हिंद।